आज मैं आपको बता रही हूँ एक नॉर्थ इंडियन स्नैक्स, मटर की कचौरी। उसके लिए मैंने 3 कप आटा, मतलब 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें 2 कप आटा लिया है, 1 कप 250 ml वाला कप है। उनको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे अप्रॉक्स 180 ml या 3/4 कप। अब इसमें डालेंगे थोड़ी अजवाइन, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल इसमें इतना होना चाहिए, अगर हम हाथ में लें तो मुट्ठी बन जाए। ऑयल का रेशियो 1/4 होता है, अगर 1 कप मैदा लिया है तो 1/4 कप ऑयल जो इसके अंदर मोहन डालना है। इसे हम डो लगा लेंगे ल्यूकोम वाटर से। देखिए हमारा डो रेडी है। हमें अब हम इस मटर को भूनेंगे। एक कढ़ाई लिए, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब जीरा ऐड किया करेंगे, हींग, और जब ये क्रैकल हो जाएगा तो मैंने फाइन चॉप किया हुआ जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली रखा है, इसको ऐड करेंगे। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सबका अपना टेस्ट होता है। मुझे गार्लिक बहुत पसंद है और कचौरी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब 1 टेबल स्पून बेसन ऐड करूँगी। बेसन को हम अच्छे से भूनेंगे एक ब्राउन कलर आने तक, थोड़ा अरोमा आएगा इसमें भूनने का। अब मैं इसमें, ये कच्ची मटर है जो मैंने रफली ग्राइंड किए हैं, पेस्ट नहीं बनाया इनका, थोड़ा दरदरी बोलेंगे उस तरह से इसको ग्राइंड किया है। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्च को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब डालूंगी मैं इसमें सौंफ पाउडर, सौंफ को मैंने रफली ग्राइंड किया है, थोड़ा मोटा मोटा दाना है उसमें। अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स करेंगे, थोड़ा भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि हमने जो इसका डो बनाया उसमें भी सॉल्ट है, तो अकॉर्डिंग टू द डो के कितना हमें डालना है सॉल्ट। थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर और लास्ट में थोड़ा चाट मसाला। हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम डो में से एक पेड़ा बनाएंगे, एक रोल लेंगे, उसको अपने रोलिंग बोर्ड पे अच्छे से उसको मलाएंगे, उसको बाइंड करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा पतला डो नहीं रखना हमको और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, मीडियम सॉफ्ट डो रखना है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके हम बड़ी सी एक रोटी बना लेंगे, डीके जैसा बेलेंगे, रोटी से थोड़ा सा मोटा। देखिए इस तरह से। अब इस पर हम ऑयल लगाएंगे और फिर हम इस पर ड्राई आटा या मैदा डस्ट करेंगे और इसको बारीक बारीक रोल कर लेंगे। देखिए किस तरह से। और हम इसको अच्छे से टाइट रोल बना लेंगे इसका, और इसको हम कट करेंगे, किनारे इसके अलग कर लेंगे और इक्वल साइज़ के हम 5-6 कचौरियाँ बनाएंगे इसमें से, एक रोल में से 6 कचौरियाँ। हाथ से दबाते हुए इसमें लेयर आएंगे इस तरह से रोल करने से। हम इसे थोड़ा सा बेलेंगे और इसके अंदर अपनी जो फिलिंग बनाई है हमने मटर की, उसको लेंगे और इसके अंदर फिल करेंगे। बेसन ऐड करने का ये फ़ायदा है कि आपकी मटर या आप कोई भी कचौरी बनाते हैं वो इधर उधर ना भागे और बाइंड रहे, बाइंडिंग के लिए काम करता है बेसन। अब इसके किनारे पे हमने पानी लगाया, मैदा और पानी का घोल है, और उसको होल्ड करते हुए इस तरह से एक पोटली के जैसा हम बंद कर लेंगे टाइट से इसको। इस तरह से हम सारी कचौरियाँ बना लेंगे। अब इनको बेलन से नहीं बेलेंगे, हाथ से प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेंगे इनको। अगर हम बेलन लगाएंगे तो ये फट सकती हैं, इसलिए हम हाथ से इसको फ्लैट करेंगे। ये ऑयल रखा है मैंने मीडियम हॉट करके, इसको लो फ्लेम किया है। हम इनको लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। अगर हम इनको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये अंदर से अच्छे से सिकेंगी नहीं, क्रिस्पी नहीं होंगी, सॉफ्ट रह जाएंगी बहुत ज़्यादा। इस तरह से करते हुए इनको 7 से 8 मिनट लगेंगी लो फ्लेम पर सिकने में, और ये बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगी।
हमारी कचौरियाँ रेडी हैं। कितना अच्छा गोल्डन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम कढ़ाई का सपोर्ट लेके इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और इसको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे। अगर इसमें कोई ऑयल बचा है थोड़ा बहुत तो वो पेपर पे आ जाएगा। देखिए हमारी कचौरियाँ रेडी हैं, कितना अच्छा कलर आया है, एकदम क्रिस्पी। लो फ्लेम पर ही सेकेंगी ये, नहीं तो कच्ची रह जाएंगी। देखिए कितनी सॉफ्ट है, क्रिस्पी है। आप इसे कैसे भी खा सकते हैं, चाट मसाला डाल के, ऐसे चाय के साथ, दही के साथ इसको चाट बना के खा सकते हैं, इसका मिंट चटनी के साथ खा सकते हैं। इस पर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। एक पे हमने चाट मसाला डाला, दूसरे को हम चाट बनाएंगे। जिसको जिस तरह से पसंद है वैसे वो खा सकता है, प्लेन भी खा सकते हैं चाय के साथ, चाट बनाकर भी खा सकते हैं, सिंपल चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये गुड़ और इमली की मीठी चटनी और मिंट चटनी। हमारी कचौरियाँ रेडी हैं, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। इसको खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।